जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा होलिका दहन एवं दुल्हंडी के दिन हम क्या करें कि पूरी वर्ष सुख चैन से हम रह सकें। इसके लिए दोस्तों मैं छोटे छोटे कुछ टिप्स लाए हूं, जिसका आप फॉलो करके लाभ ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दिन हमें नरसिंह देवता का स्मरण जरूर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान विष्णु को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली त्यौहार जो है नरसिंह देवता से जुड़ी हुई है। आपको क्या करना है कि होली का दहन के दिन एक सूखी नारियल लेके 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर होलिका दहन के अग्नि में प्रवाहित कर देना है। उसमें आप प्रवाहित कर दें, उसे जलने के लिए छोड़ दें, तो आपकी जिंदगी की जितनी निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो जल जाती है। वैसे तो सबसे बढ़िया टिप्स जो होती है, आप परिवार के जितने सदस्य हैं सब लोग मिलके अपना अपना उपटन जो आटा और हल्दी डाल के बनाई जाती है, अपने चेहरे पर पूरा लगाएं, हाथों में लगाएं, और फिर उसकी मैल निकाल के साफ करके एक कागज में पुड़िया बना कर रख लें सब अलग अलग, और होलिका दहन में आप जाएं, परिक्रमा करें, कम से कम 7 बार परिक्रमा करें, उसके बाद उसमें स्वाहा कर दें, उसमें डाल दें, ताकि आपके ऊपर से जितनी भी किया कराए का प्रभाव है, निगेटिव ऊर्जाएं हैं, सब निकल जाए। ये बीमार आदमी को अवश्य करना चाहिए, या बीमार आदमी जाने की स्थिति में नहीं है तो घर का कोई सदस्य उसे ये करा के वो ले जाए और वो खुद डाल सकता है। चाहे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत रहती है, या कर्ज रहती है, या रोजी रोजगार की कोई समस्या है, या फाइनेंशियल वीकर है, बहुत कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे आदमी को उपटन वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। हाँ, इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई नई नवेली दुल्हन अगर आई है तो उसे भूल कर भी होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए। पहली होली मायके के मनानी चाहिए, और होलिका दहन में तो उन्हें जाना नहीं चाहिए। अब कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गर्भवती स्त्री, तो वो भी होलिका दहन को देखने ना जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो इसमें आंवले की लकड़ी और बरगद का पेड़, पीपल की लकड़ी, नीम का लकड़ी होलिका दहन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई डालता हो तो उसे रोक भी देनी चाहिए, ये बहुत शुभ है, तो इसमें ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। फिर से आप लोग ध्यान दे देंगे, होलिका दहन में पीपल, बांस, बरगद, नीम, आंवला, अशोक की लकड़ी नहीं डालनी चाहिए, भूल के भी नहीं डालनी चाहिए। फिर अशुभ संयोग बनता है, ये नहीं डालना चाहिए। जिसका सिर्फ एक ही संतान है, एक ही बेटा हो या बेटी हो, उन्हें अपने हाथ से अग्नि प्रवाहित तो नहीं करना चाहिए होलिका दहन में। कायदे में बड़े बुजुर्ग जिनके माता पिता कोई न हो, वो होलिका दहन को प्रज्वलित कर सकते हैं। होलिका की जो वेदी बनाई जाती है लकड़ियों की, उसमें वो आग लगा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं लगानी चाहिए। देखिए, होलिका दहन के दिन कुल देवी देवता का जरूर पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को अन्न का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, अन्न का भोग लगाना चाहिए, और पति पत्नी को मिल के एक साथ अन्न का दान करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी बात है। और रात्रि में पति पत्नी अगर एक साथ चंद्रमा को देख के प्रणाम करते हैं, अगर संभव हो तो थोड़ा खीर का भोग लगा दें, बाद में थोड़ा लक्ष्मी जी को भी लगा दें, तो पति पत्नी की कंजुगल लाइफ, दाम्पत्य जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। होलिका दहन के दिन नरसिंह देवता, जिसने भक्त प्रहलाद के तारण करने के लिए और उनके पिता हिरण्यकश्यप राक्षस को वध किए थे, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। हो सके तो घर में उस दिन उनकी तस्वीर लेके आनी चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए, उससे आपको बहुत अति लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स और बताना चाहूँगा, जो रहेगा दुल्हंडी के दिन, जिस दिन हम लोग रंग खेलते हैं,
यानी रंग वाले होली के दिन। रंग वाले होली के दिन क्या होता है कि सुबह से लोग शुरू हो जाते हैं, लेडी सब पकवान वगैरह तरह तरह के बनाती हैं, आप भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सब रंग वगैरह खेल लें नहा धोवा लें तो घर में जो गणेश जी लक्ष्मी जी देवी माता हैं जो भी तस्वीर रखे हैं मूर्ति रखे हैं उनको आप थोड़ा सा गुलाल चढ़ाएंगे पकवान चढ़ाएंगे। उसके बाद नियर बाई कोई मंदिर हो आपके सराउंडिंग एरिया में नज़दीक में जो मंदिर है देवी देवता लोग हैं उन्हें जाके जरूर चढ़ाना चाहिए, वहाँ भी गुलाल चढ़ाना चाहिए पकवान चढ़ाना चाहिए और देवी देवता से को प्रणाम करके ये मनोकामना लेके चले थे उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। उसके बाद घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग आपसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें आप उनके चरणों में यानी पैरों में आपको गुलाल चढ़ाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और कुछ मीठी चीज़ें उन्हें खिलानी चाहिए। आसपास के भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें ये जरूर करना चाहिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए क्योंकि होली के दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है। इससे आपके ज़िंदगी की मैक्सिमम समस्याओं का निराकरण होता है, ऐसा करना चाहिए ये हम नहीं ये शास्त्रों में भी वर्णन है। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये छोटे छोटे टिप्स छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है इसको लाइक करेंगे और पसंद करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। अभी किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो मन के अंदर तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखें मैं उसका जवाब दूंगा। आपसे पुनः आग्रह है कि होली के उमंग में आप बहके नहीं सम्मान में मान सम्मान में रहें मान सम्मान को मेंटेन करें, किसी तरह की हुड़दंग करनी अच्छी बात नहीं है। परमपिता परमेश्वर सबका कल्याण करें। जय श्री राम जय हनुमान जी।